हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ओरल कैंसर यानी कि माउथ के कैंसर का पार्ट वन डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पार्ट टू इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ओरल कैंसर। तो जैसा कि हम लोग ने पिछली बार क्या क्या डिस्कस किया था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द माउथ, इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन, टाइप्स, TNM क्लासिफिकेशन, स्टेजिंग, इटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो चलिए आगे का देख लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ओरल कैंसर को हम माउथ कैंसर भी बोलते हैं, फिर चाहे वो लिप्स के ऊपर हो, चाहे वो जॉ के ऊपर हो, चाहे वो टंग पे हो, चाहे वो आपके थ्रोट के पास हो, चाहे वो आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स के पास हो, है ना, चाहे वो आपके बकल कैविटी में हो, कहीं पर भी माउथ में होगा तो वो कैंसर माना जाएगा, ओरल कैंसर। ओके, सो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स जो आपको ओरल कैंसर में देखने को मिलते हैं? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉर्मली भी हमारे माउथ में अल्सर्स निकल आते हैं, राइट? फिर वो आप उसका ट्रीटमेंट करते हो, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह खाते हो तो वो ठीक हो जाते हैं। बट कैंसर इज अनदर थिंग। कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। तो ये चीज एबनॉर्मल है, यहाँ पे एबनॉर्मल वर्ड लगा हुआ है। अगर सेल्स अपने आप को एबनॉर्मली ग्रो करते रहेंगे तो उन्हें हम एज अ कैंसर कंसिडर करेंगे। तो ओरल कैंसर यानी कि माउथ के कैंसर में स्टार्टिंग के जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? देखिए, ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया जो वर्ड है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि वाइट और येलोइश, पेल येलो कलर की कुछ लीजन्स, इस तरह के कुछ आपको टंग में देखने को मिल सकते हैं। ये अर्ली साइन होता है कैंसर का। किसी भी पर्सन के अगर टंग में इस तरह के अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि वो जा करके डॉक्टर को दिखवाए, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल। इसका रीजन क्या है ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, इस पे रिसर्च चल रही है कि ल्यूकोप्लेकिया यानी कि येलोइश वाइटिश लीजन जो देखने को मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इरेथ्रोप्लेकिया। इरेथ्रोप्लेकिया रेड वेलवेट कलर के रैशेज होते हैं जो कि आपके टंग में देखने को मिलते हैं। ये जितने भी आपको येलो देखने को मिल रहे हैं इसी तरह से रेड देखने को मिलते हैं। ये भी अर्ली साइन होता है माउथ कैंसर का। साथ ही साथ इसका रीजन ये है कि जब आपके सेल्स में या आपकी म्यूकोसा में या आपके जो कह सकते हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स में जब इन्फ्लेमेशन होने लगता है, सेल्स की डेथ होने लगती है, सेल्स हार्म होने लगते हैं, तब इस तरह से कुछ वो रेड रैशेस छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स डैमेज होंगे तो उनके अंदर रेडनेस आएगी। तो बहुत ज़्यादा सेल्स डैमेज होने की वजह से यहाँ पे रेड पैच देखने को मिलेगा, रेड पैच यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरह से रेड पैच देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सेल्स की डेथ क्यों होने लगेगी या सेल्स में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन क्यों होने लगेगा। तो जब आपके अंदर कैंसर सेल्स बनने लगते हैं तो वो आपके नॉर्मल सेल्स की ब्लड सप्लाई को खींचने लगते हैं। ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं रेड वाले, और येलो वाले आपके कैंसर सेल्स हैं, ठीक है? तो आपके नॉर्मल सेल्स को जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए वो ब्लड सप्लाई कैंसर सेल्स उसको ले लेते हैं। लेने की वजह से क्या होता है कि कैंसर सेल्स ऑक्सीजन, लाइक ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन होता है, तो कैंसर सेल्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करके अपने आप को जल्द से जल्द रेप्लिकेट यानी फैलाना शुरू कर देते हैं। और जो आसपास के नॉर्मल टिश्यूज या सेल्स होते हैं उनकी तो ब्लड सप्लाई छीन ली गई है, तो उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस तरह से रेडनेस देखने को मिलती है। जब इनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, इनकी डेथ होने लगेगी, तो इनकी जो स्वेलिंग और रेडनेस है वो आपको पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अल्सरेशन। तो अल्सरेशन सिंपल सी चीज़ है, कहीं पर भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स अगर देखने को मिलेगा तो वहां पे देखो, यहाँ पे जब बहुत सारे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हुए तो सबसे पहले तो ये आपको अल्सर्स की तरह ही तो देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ पैचेस ही देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ गई तो अब वो अल्सर की फॉर्म में अपने आप को चेंज कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ दी सेल्स बढ़ गए हैं तो वो अल्सर की फॉर्म में आपको देखने को, छाले की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सोर दैट डज नॉट हील। ऐसे सोर्स
सोर कौन होते हैं? सोर अल्सर्स ही होते हैं जब टिश्यूज इफेक्ट हो जाते हैं, टिश्यूज में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नॉर्मल टिश्यूज में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उनके अंदर, मैंने आपको बता दिया, उनकी डेथ होने लगती है। डेथ की वजह से उनके अंदर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और उनके सराउंडिंग टिश्यूज भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, अफेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला खराब हुआ तो इसने साइड वाले को भी इन्फेक्टेड कर दिया। इस तरह से सोर थ्रोट बन जाता है। यहाँ पे देख लो, ये देखो सोर थ्रोट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, नंबर्स में भी इंक्रीज हो जाएंगे और ये क्या होगा इसमें, ये जल्दी हील नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली डेथ इनकी नहीं हुई है, कैंसर सेल्स की वजह से ये बने हैं। नेक्स्ट आ जाता है लंब। लंब क्या होता है? गांठ की तरह एक टाइट गांठ होती है जिसको हम छोटी सी गांठ, हम उनको लंब बोलते हैं। ठीक, वो भी कलेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स आप कह सकते हो होती है। यहाँ कहीं पे मैं, यहाँ देख लो, ये एक तरह का लंब है, ये भी एक तरह का लंब है। ठीक है, इस तरह से हार्ड अल्सर जो होता है वो लंब होता है, पेनलेस होता है और ये भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स की वजह से देखने को मिलता है। सोर थ्रोट मतलब गला जो है वो आपको अजीब सा लाइक लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि मेरे गले में कुछ अजीब सा है, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वॉइस चेंज हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जब माउथ का कैंसर बढ़ने लगता है, मेटास्टासिस होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, तो वो आपके माउथ से आपके थ्रोट तक भी चला जाता है। इस वजह से आपको सोर थ्रोट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गले से जो आपकी वोकल कॉर्ड होती है जो कि लैरिंग्स के पास होती है उसमें भी चेंजेस आएंगे क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो रही है। तो जब वॉइस बनाने वाली जो वोकल कॉर्ड है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी वॉइस भी चेंज देखने को मिलेगी। डिफिकल्टी इन च्यूइंग, जब इस तरह से कई सारे अल्सर्स आपके माउथ में देखने को मिल सकते हैं तो आपको च्यू करने में या चबाने में, वो खाने को चबाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। डिसफेजिया, जब वो कैंसर गले तक पहुंच जाएगा और इंक्रीज इन साइज कर लेगा तो डिसफेजिया मीन्स होता है स्वॉलो करना, निगलना, खाने को अंदर लेके जाना, जो कि नहीं हो पाएगा। टंग में पेन होगा और ईयर में भी पेन होगा अगर कैंसर आपके ईयर के पास, आपकी पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है एक तरह की, यहाँ पे होती है, अगर यहाँ पे कैंसर हो गया तो आपके ईयर में भी पेन होगा और आपका टंग में भी पेन होगा। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स देख लेते हैं। माउथ से ब्लीडिंग होने लगेगी जब बहुत ज़्यादा कैंसर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ब्लीडिंग क्यों होगी, इसका भी मैं आपको रीज़न एग्जैक्ट बता देती हूँ। देखो, ये हो गए आपके कैंसर सेल्स, तो जब कैंसर सेल्स अपने आप को एबनॉर्मली ग्रो करते रहेंगे, दूसरों की ब्लड सप्लाई ले करके ग्रो करते रहेंगे, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नॉर्मल सेल्स को कंप्रेस यानी कि दबाने लगेंगे। ठीक है, तो जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं वो इतना ज़्यादा दब जाएंगे कि उनके अंदर की जो ब्लड सप्लाई है, वो जो कैपिलरीज हैं, पतली पतली वेन्स हैं, वो टूट जाएंगी और जब वो टूट जाएंगी तो उसके अंदर से जो ब्लड होगा वो बाहर निकल जाएगा और जो कि आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, लूज टीथ। अगर टीथ के पीछे या जॉ के ऊपर कैंसर है तो वो आपके टीथ को भी टिकने नहीं देगा और तोड़ देगा, क्योंकि इतना प्रेशर देगा टीथ पे कि टीथ की जो ब्लड सप्लाई है वो भी इंटरप्ट हो जाएगी। जब टीथ में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसके आसपास के टिश्यू डेथ हो जाएंगे और टीथ आपका लूज होके टूट जाएगा। डिफिकल्टी और पेन इन च्यूइंग, जब बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ जाता है तो आप सॉलो भी नहीं कर पाते हो, साथ ही साथ आपको चबा भी नहीं पाओगे, इवन आप बोल भी नहीं पाओगे। डिफिकल्टी इन वेयरिंग डेंचर्स, डेंचर्स होते हैं जिनको हम हिंदी में बत्तीसी बोलते हैं, वो अगर कोई पहनता है तो वो भी नहीं पहन पाएगा बिकॉज ऑफ दी ओरल कैंसर। लंब जो कि आपके माउथ में अभी तक देखने को मिल रहा था, वो लंब अब आपके नेक के पास भी देखने को मिल सकता है। इट इज बिकॉज अगर कैंसर बढ़ गया तो अगर देखा जाए तो कैंसर आपके लोअर जॉ से, आपके इस वाले शोल्डर एरिया में या आपके थ्रोट के एरिया से आपके शोल्डर एरिया में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अगर वो मेटास्टेसिस की स्टेज पे आ गया तो। टंग में नमनेस होगी, जैसे कि टंग में कोई सेंसेशन नहीं है या कोई जान नहीं है, क्योंकि कोई कोई ट्यूमर्स पेनलेस होते हैं, तो टंग में उस एरिया पे नमनेस होगी और आपके अंदर माउथ में स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो एज ऑलवेज हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो हम लोग हमेशा एक ट्रिक यूज करते हैं, आपको याद होगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री कलेक्शन में आप हमेशा क्या करोगे, कॉजेस की जितने भी चीजें थी वो सारी हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लोगे। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने आपको इटियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो अगर इटियोलॉजी देखो हिस्ट्री कलेक्शन में आप उनसे ईजिली पूछ सकते हो कि क्या वो टोबैको ईट करते हैं, खाते हैं, च्यू करते हैं, क्या वो अल्कोहल लेते हैं, क्या वो स्मोकिंग लेते हैं, क्या वो ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें वो सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हों, क्या वो लेबर हैं, है ना, इस तरह से। क्या उनके डाइट प्लान अच्छा नहीं है जिसकी वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आपके डाइट प्लान अच्छी नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा जिसकी वजह से आपको ईजिली हर तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। या तो वो अपने ओरल जो कैविटी है उसको क्लीन नहीं करके रखते होंगे, अपने माउथ को साफ सुथरा नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से अंदर पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या पता उनको ओरल ट्रॉमा, कई बार उनके अंदर माउथ के अंदर इंजरी हुई हो, या टीथ के अंडर में आपकी टंग बार बार कट जाती हो, क्या ये सब हुआ हो जिसकी वजह से उनकी रिकवरी के टाइम पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। एज उनकी कितनी है ये भी आपको पूछना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एज बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है। मेल है कि फीमेल है ये भी आप देखोगे, क्यों? क्योंकि मेल ज़्यादा टोबैको और अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से उनको ज़्यादा चांसेस होता है ओरल कैंसर का। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री पूछ लोगे कि कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी फैमिली में से पहले भी लोगों को ओरल कैंसर हुआ हो, या सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं हुई है। तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आप उनसे पूछ लोगे कि क्या वो ओरल सेक्स तो नहीं करते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस माउथ के अंदर चला गया हो और उनको ओरल कैंसर हो गया हो। इस तरह से आप अपने हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो इटियोलॉजी के बेसिस पे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में एज ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द वाइटल साइंस, जिसमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, पल्स इंक्रीज मिलेगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम तब होगी जब वो कैंसर मेटास्टेसिस हो करके आपके लंग्स में चला जाएगा, देन बीपी में भी प्रॉब्लम होगी अगर किडनी में कैंसर चला गया तो किडनी सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाएगी, है ना, तो बीपी बढ़ने लगेगा। इसके अलावा अब हेड टू टो, अगर हेड से टो तक एग्जामिनेशन करें तो क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। सो हेड टू टो एग्जामिनेशन में सबसे पहले अगर हेड की बात करें तो वो ब्रेन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। मैं जितनी भी चीज़ें बोल रही हूँ ये सब आप नोट करते चले जाओ, क्योंकि ये सब आप अगर लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो हेड से स्टार्ट करेंगे तो हेड में ब्रेन होता है, तो ब्रेन में क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगी, तो ब्रेन के कन्फ्यूज़न के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि ना वो कुछ खा पा रहे हैं, ना वो कुछ पी पा रहे हैं, ना ही वो अच्छे से मतलब उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं, और उन्हें पता है कि ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि कैंसर में भी है। इसके साथ साथ फेस पे आपको उनकी एंजाइटी देखने को मिलेगी, लिप्स जब आप देखोगे तो आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, माउथ के अंदर जब आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जैसे जॉ के पास आपकी टंग के ऊपर, जबकि टंग जो है सबसे मोस्ट कॉमन साइट है कैंसर की, ओरल कैंसर की। इसके अलावा आपके अंदर अंडर दी चीक्स यानी कि आपके बकल म्यूकोसा जो आपकी ये चीक के अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर, सॉफ्ट पैलेट यानी कि ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया, हार्ड पैलेट सॉरी सॉफ्ट पैलेट यानी कि ये वाला एरिया और हार्ड पैलेट यानी कि आगे वाला ये वाला एरिया, ठीक है, ये देखो ये बोन है, ये हार्ड पैलेट है, ये इसके पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट है, तो यहाँ पर इन सब जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। थ्रोट में आप उसकी वॉइस देखोगे, उससे पूछोगे कि क्या आपकी वॉइस ऐसी ही थी या अभी चेंज हुई है, तो वॉइस में आपको हॉर्सनेस यानी कि अजीब तरह की आवाज़ सुनने को मिलेगी। वो आपको बताएगा कि वो खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, उसको पेन हो रहा है माउथ में, हाँ उसको स्वॉलो करने में, फूड को स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके माउथ से ब्लीडिंग हो रही है, या टीथ ब्रेक हो गया है, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। उसके बाद नेक पे आ जाते हैं, तो जब आप नेक पे देखोगे तो आपको लंब देखने को इस तरह से उठा हुआ देखने को मिल सकता है, ये एक निशानी है, ये एक तरह का मतलब साइन है जो कि बताता है कि कैंसर अब स्प्रेड होने लगा है। इतना करने के बाद फिर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे माउथ का तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती हैं, सॉरी यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ इनटू द माउथ देखने को मिल सकती हैं।
उस एबनॉर्मल ग्रोथ को कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन आप कराओगे। सीटी स्कैन में पता चल जाएगा कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ कितने दूर तक फैली हुई है। फिर इसको भी कंफर्म कराने के लिए एमआरआई आप कराओगे। एमआरआई आपको क्लियर विजन देता है जिससे पता चलता है कि कितने डीप कैंसर जा चुका है, क्योंकि स्क्वैमस सेल वाला जो कैंसर है वो बहुत डीप चला जाता है। इसीलिए अभी अगर कैंसर है तो ये बहुत नीचे तक चला जाएगा और ये पूरा कट करना पड़ेगा, ठीक। तो एमआरआई में ये पता चलता है। तो जब हम कंफर्म कर लेते हैं इन तीनों से कि हाँ ये कैंसर ही है, तो हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। अब इतना एरिया, थोड़ा सा एरिया कट करके लैब में भेजा जाता है और उस सेल्स में पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है, बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। ये कैसे पता चलेगा कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है? पहली चीज तो बिनाइन कैंसर वो होते हैं जो फैलते नहीं है, एक जगह पे रुके रहते हैं, बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं। मैलिग्नेंट कैंसर जो एक एरिया से दूसरे एरिया इजिली फैल जाते हैं। बायोप्सी से कैसे पता चलेगा कि ये बिनाइन कैंसर है कि मैलिग्नेंट कैंसर है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक सेल के अंदर BRCA1 और BRCA2 ये दो जीन होते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। तो जब आप बायोप्सी कराओगे तो अगर BRCA1 BRCA2 दोनों ही डैमेज हैं या दोनों ही काम नहीं कर रहे, इसका मतलब वो आपका मैलिग्नेंट कैंसर है। और अगर BRCA2 है, BRCA1 में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो बिनाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्सरे। एक्सरे आप अपने लंग्स का करवाओगे, क्यों? क्योंकि एक्सरे से पता चलेगा कि लंग्स के अंदर कैंसर तो नहीं चला गया। देन नेक्स्ट है आपका PET, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी। ये एक तरह का सीटी स्कैन और PET का कॉम्बिनेशन होता है, पूरी बॉडी का देखते हैं हम। कहीं पर भी कैंसर अगर देखने को मिलेगा तो इस तरह से पोर्शन आपको PET में देखने को मिलता है, इस तरह से पोर्शन आपको देखने को मिलता है, तो समझ में आ जाता है कि कहाँ पे कैंसर हुआ है। ये देखो MRI की इमेज मैंने डाली थी, आप देख सकते हो कि कितना क्लियर विजन देता है MRI। डीप इंसाइड तक आपको क्लियर विजन दे रहा है और कहीं पर भी दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कैंसर है, यहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से क्लियर विजन मिलता है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कौन सा, वैसे तो ओरल कैंसर में मेनली नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसलिए ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं जिससे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहीं बॉडी के आसपास इधर उधर तो नहीं फैल गया। देन एंडोस्कोपी कराएंगे। एंडोस्कोपी एक तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें एंडोस्कोप नाम का एक पाइप ऐसे डाला जाता है जिसमें कैमरा लगा होता है, और ये आपके पूरे माउथ और पूरे आपके इसोफेगस और एब्डोमेन चारों तरफ ये आपके विजुलाइजेशन देता है वीडियो के तौर पे, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि हम लोग मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कीमोथेरेपी पहले डिस्कस करेंगे, फिर इम्यूनोथेरेपी डिस्कस करेंगे, देन फिर रेडियोथेरेपी एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, देन नर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए पहले स्टार्ट कर देते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में ये 6 ड्रग्स मेनली फॉलो किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5-फ्लुरोयूरेसिल ड्रग, ठीक है। तो ये 5-फ्लुरोयूरेसिल एक तरह का एंटी कैंसर ड्रग, आप इसे बोल सकते हो कि ये दिस इज अ एंटी कैंसर ड्रग। इसका काम क्या है कि ये प्रिवेंट करता है जो प्री आरएनए यानी कि मेन आरएनए को बनने से पहले प्री आरएनए बनता है। अगर आरएनए वायरस है तो मेन आरएनए बनने से पहले प्री आरएनए बनता है। अगर डीएनए वायरस है तो मेन डीएनए बनने से पहले प्री डीएनए बनता है। तो ये प्री आरएनए प्री डीएनए कैंसर सेल्स के प्री आरएनए और प्री डीएनए को रोकता है, बनने नहीं देता, मेच्योर नहीं होने देता। नेक्स्ट है आपका मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो आपके टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन हो रहा था जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी और जिसकी वजह से आपको पैचेस देखने को मिल रहे थे, अल्सर्स बन रहे थे, ये सारी चीज़ें ये कम करता है और ये एंटी मेटाबॉलिक ड्रग है कैंसर सेल्स के लिए। नेक्स्ट है सिसप्लैटिन। सिसप्लैटिन डायरेक्टली डैमेज करता है कैंसर के डीएनए को, कैंसर सेल्स के डीएनए को डायरेक्टली डैमेज करता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स अपने आप को रेप्लिकेट यानी फैला नहीं पाते। नेक्स्ट है कार्बोप्लैटिन। कार्बोप्लैटिन डायरेक्ट
कैंसर सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप करने में काम करता है, डायरेक्ट अटैक करता है कैंसर सेल्स पे और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट है पैक्लिटैक्सिल। पैक्लिटैक्सिल का काम है कि ये डिक्रीज करता है म्यूटेशन को। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एबनॉर्मल सेल्स के अंदर एबनॉर्मल जेनेटिक चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। तो एबनॉर्मल जेनेटिक चेंजेस मींस होता है कि अगर मान लो जो जीन आपके कैंसर सेल्स को रोकने का काम करते हैं जैसे BRCA1 BRCA2 उनको खराब कर देता है जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन नॉर्मल नहीं कर पाते। तो पैक्लिटैक्सिल क्या कर रहा है कि BRCA1 BRCA2 को खराब होने से बचा रहा है। नेक्स्ट है बेलियोमाइसिन। बेलियोमाइसिन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है कैंसर सेल्स की ग्रोथ को। तो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, सबके मैंने एक्शंस लिख दिए हैं जिससे कि आपको लर्न हो जाए। यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी इसके एक्शंस आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का काम क्या है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ओरल कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी ये दो ड्रग फॉलो की जाती है मेनली। कौन सा है आपका? पेम्ब्रोलिजुमाब। पेम्ब्रोलिजुमाब एक तरह का ड्रग है जो कि इंक्रीज करता है टी सेल्स। टी सेल्स कौन होते हैं? आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, बी सेल्स टी सेल्स। WBC के टाइप्स होते हैं बी सेल्स टी सेल्स। तो टी सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है निवोलुमाब। निवोलुमाब भी आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडिएशन थेरेपी पे। रेडिएशन मेनली हमारी दो होती हैं, एक है EBRT एक्स्ट्रा बीन रेडिएशन थेरेपी एंड दूसरा है इंट्रा बीन रेडिएशन थेरेपी और ब्रैकी थेरेपी। हमारे इस वाले ओरल कैंसर में एक्स्ट्रा बीन रेडिएशन थेरेपी ही फॉलो की जाती है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर आप रेडिएशन नहीं डायरेक्टली दे सकते हो, माउथ के बाहर से दूर से रेडिएशन दिया जाता है जिससे कि आपका जो कैंसर है वो ब्रेक डाउन हो जाए या श्रिंक हो जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए। सर्जरी के बेसिस पे देखा जाए तो एक्सीशन ऑफ द ट्यूमर पहली सर्जरी है। एक्सीशन ऑफ द ट्यूमर में हम डायरेक्टली क्या करते हैं? कट कर देते हैं ट्यूमर के साइड को, लेकिन सिर्फ ट्यूमर के एरिया को ना कट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिश्यूज भी हम बाहर निकालते हैं। एक्स्ट्रा टिश्यूज भी हम कट करके निकालते हैं जिससे कि अगर इसका असर थोड़ा आसपास भी हो तो वो भी कट होकर के बाहर निकल जाए और हमारा जो माउथ है वो ठीक हो जाए। यहाँ पे देख लो मार्जिन ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज भी निकाले जाते हैं, टेकन आउट टू रिड्यूस द चांस ऑफ एनी कैंसर सेल्स बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो नॉर्मल टिश्यूज भी कट किए जाते हैं इसके साथ साथ, जिससे कि अगर थोड़ा भी इधर उधर एबनॉर्मल ग्रोथ कहीं पर भी पहुंच भी गई हो तो वो भी कट होकर के एक ही बार में बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है आपका मैंडिबुलेक्टमी। तो मैंडिबल से बना मैंडिबुलेक्टमी मीन्स होता है रिमूवल। तो दो आपके जॉ होते हैं मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैक्सिला आपका ऊपर वाला होता है, मैंडिबल आपका नीचे वाला होता है। ठीक है, तो मैंडिबुलेक्टमी में क्या होता है? टमी मींस रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द जॉ बोन मैंडिबल नीचे वाले। ठीक, तो अगर कंप्लीट जॉ में कोई कैंसर सेल्स फैल गया है तो कंप्लीट जॉ निकाल देंगे, पार्शियल में फैला है तो पार्शियल निकाल देंगे, अगर एक पार्ट में फैला है तो एक पार्ट निकाल देंगे। नेक्स्ट है हेमीग्लॉसेक्टमी। ग्लॉसल जो मसल होती है वो आपके टंग में होती है, ग्लॉसियल मसल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टंग की बात चल रही है। तो हेमीग्लॉसेक्टमी में क्या हो रहा है? टमी मीन्स होता है रिमूवल, टंग को रिमूव करने की बात चल रही है। अब चाहे वो पार्ट हो टंग का, चाहे वो पार्शियल टंग हो, चाहे वो कंप्लीट टंग हो, है ना, चाहे वो टंग का एक पार्ट निकाले, चाहे आधी टंग निकाल दे, चाहे कंप्लीट टंग को बाहर निकाल दे, डिपेंड करता है स्प्रेड ऑफ दी कैंसर पे। कैंसर जितना स्प्रेड हुआ होगा उसी के बेसिस पे टंग को कट किया जाएगा और रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रेडिकल नेक डिसेक्शन, जिसको हम RND भी शॉर्ट में बोलते हैं। रेडिकल नेक डिसेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं ऑल इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल मीन्स होता है वन साइड, सेम साइड जिस साइड कैंसर हुआ हो। इप्सिलेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड, देखो सर्वाइकल एरिया कौन सा होता है? ये नेक वाला एरिया आपका सर्वाइकल एरिया होता है। ठीक है, एक साइड का सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है, इप्सिलेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड ग्रुप्स को हम बाहर निकालते हैं। कहाँ से स्टार्ट है? एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंफीरियर यानी कि नीचे बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल
मैंडिबल नीचे वाला जॉ, ठीक है, नीचे वाले जॉ के नीचे के एरिया से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, सुपीरियरली टू दी क्लेविकल, यानी कि नेक के ऊपर तक हम कट करते हैं, समझ गए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, जॉ के नीचे से कट करते हैं, नेक के ऊपर तक हम कट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल नेक डिसेक्शन। ये थे हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन यानी जनरल कंडीशन को आपको असेस करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की जनरल कंडीशन इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे कैसी है। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है अबाउट द ट्रीटमेंट, अदरवाइज वो ड्रग्स लेते नहीं हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं और उनको लगता है कि दे विल नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। और टेंशन यानी कि स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस हार्मोन अंदर बढ़ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करता है, तो जब इम्यून सिस्टम आपको और स्लो हो जाएगा तो आप और बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट, एजुकेट अबाउट दी सर्जरी, कौन सी टाइप की सर्जरी चाहिए, कौन सी टाइप की सर्जरी होने जा रही है, क्यों हो रही है, उसका क्या बेनिफिट है, कितने टाइम पे होगी, कितना मनी लगेगा, सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी है, बिकॉज दिस इज़ अ पेशेंट राइट, कि उसको अपने बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल थेरेपी, तो न्यूट्रिशनल थेरेपी के बेसिस पे ऑब्वियस ही बात है कि कैंसर अंदर हुआ है तो क्या पता वो नहीं ले पाए न्यूट्रिशन, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन नाम का ये आता है, ये फॉलो करवाना है, जिससे कि टोटल न्यूट्रिशन जो उनकी बॉडी को नीड है वो अंदर लिक्विड फॉर्म में जाता रहे। एजुकेट अबाउट दी हाइजीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत लोग हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, ब्रशिंग वगैरह नहीं करते हैं, टंग क्लीन नहीं करते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें उनको इंफॉर्मेशन देनी है। पेन हो रहा है तो पेन मैनेजमेंट करना है। एंजाइटी को रिड्यूस आप तभी कर सकते हो जब आप उनको अच्छे से हेल्थ एजुकेशन दे पाओ। इसके अलावा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करते रहना है, टाइमली उनका सारा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करते रहना है, जिससे कि आपको उनकी नॉर्मल कंडीशन पता चलती रहे। एजुकेट करना है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोअप, ऑपरेशन के बाद भी जब उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो भी आपको एजुकेट करना है कि जितनी बार डॉक्टर ने विजिट करने के लिए बोला है वो उतनी बार विजिट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, देखो वो सारी चीज़ें जिससे कि माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं होने के, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, टोबैको यूज़, एल्कोहल यूज़, ये इन तीन चीज़ों को तो स्ट्रिक्टली मना करना है। साथ ही साथ अगर वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बाहर धूप में कुछ काम करते हैं तो उनको बोलना है कि थोड़ा सा अवॉइड करें। अर्ली डिटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है अगर फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, साथ ही साथ मल्टीपल सेक्स या ओरल सेक्स करने से मना करना है। गुड डाइट फॉलो करवानी है जिससे कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करवानी है जिससे कि बॉडी हेल्दी रहे, और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है अगर माउथ में कोई भी इन्फेक्शन होता रहता है तो। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में मेटास्टेसिस यानी कि कैंसर इधर उधर ऑर्गन में फैल सकता है, पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, इमोशनल इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस हो सकता है कि उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, और लास्ट में अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ओरल कैंसर। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, तब आपको सेकेंड पार्ट और अच्छे से क्लियर होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।